वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम इंस्टा पर। हु ऑल आर जॉइनिंग, प्लीज लीव अ मैसेज। मंगल, कीना, शुभम, गर्विता, काशीनाथ, एकता, सदवचन, सौम्या, सिद्धांत, तारू, तमन्ना, वेरी वेरी गुड इवनिंग, अ वार्म वेलकम। सबका बहुत बहुत स्वागत है टीम इंस्टा पर। सो वो सब जो कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है विद डिटेल्ड एनालिसिस, उन सब का स्वागत है इस पर्टिकुलर सेशन पर। प्लीज डू शेयर द सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि बाकी बच्चों तक भी ये पहुंच जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत प्रीमियम कंटेंट होता है इसमें। बहुत ज्यादा डिटेल्ड में हम न्यूज को विद एनालिसिस कवर करते हैं और आखिर में हम क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। चलिए, आज बहुत खुश लग रहे हो आप। मैं हमेशा ही खुश रहता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है? ऐसा कोई दुख वाला कारण नहीं है, खुश ही रहना चाहिए इंसान को। चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग आरती, प्रियंका, पद्मा, गीतांजलि। सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट BSF, एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द एकेडमिक बैकग्राउंड। जय हिंद, वेरी वेरी गुड इवनिंग आशीष, पद्मा, वेलकम टू द सेशन। सो इकोनॉमी कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री चल रहा है बैच में। आज हमने दिल्ली सल्तनत भी कंप्लीट किया, ज्योग्राफी में हमने इंडियन फिजियोग्राफी कर रहे हैं, पॉलिटी का सेशन शुरू होने वाला है और 15 तारीख से, ठीक है? सो विल बी स्टार्टिंग विद द क्रैश कोर्स, जो कि बहुत डेडिकेटेडली होगा CDS के लिए, जिसमें कि हम 2 महीने में कोशिश करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स CDS के लिए, जो जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है अभी तक CDS के लिए, तो वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली दैट विल बी वेरी वेरी टारगेटेड, हम सिलेक्टेड टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि हमारा CDS में हम स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करें। आ गए हैं सर, चलिए, मेरी आवाज आ रही है, आई होप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है। और आगे बढ़ने से पहले आपके पढ़ाते हुए पॉइंट्स HAS मेंस में भी लिखकर आई हूं मैं। वेरी गुड रजनी, वेरी वेरी गुड, ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया। सो ऐसी चीजें जो है जरूर मेरे को अलग से भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता दिया करिए। सो आई फील रियली गुड जब आपको, जब डिफरेंट स्टूडेंट्स मैसेज मी स्पेसिफिकली कि हमें उस पर्टिकुलर एग्जाम में हेल्प मिली इस एनालिसिस से, इट गिव्स यू A great sense of satisfaction. Thank you so much. ठीक है जी, हाँ जी, आज शाम वाला सेशन भी जरूर देख लीजिएगा, 12 बजे वाला। बहुत बच्चों ने उसको मिस कर दिया है, प्लीज डोंट मिस दैट सेशन, जिसमें कि मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस की हैं। लगभग जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कवर कर ली हैं। सो प्लीज 1.5 घंटे का लेक्चर है, बहुत थॉरली हमने सारी 70 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को हमने डिस्कस किया है उसमें, ठीक है? मैंने क्या बोला, आफ्टरनून वाला सेशन, यस यस, ठीक है, उसको रिकॉर्डेड देख लेना, अवेलेबल है, लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं हम इंटरनेशनल न्यूज से। तुर्की से बहुत अच्छी न्यूज नहीं आ रही है, तुर्की में इवन ये डाटा भी सुबह का हो चुका है, अभी तो ये डाटा आ रहा है कि 5,000 से ज्यादा डेथ्स क्रॉस कर गया है। सो ये कहा जा रहा है कि पिछले 70-80 सालों का सबसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक आया है वहां पर। अब इसके रीजन क्या क्या हैं, ये मैंने आपको एक छोटी सी, मैंने उसके पे वीडियो भी बनाई है, जल्दी ही आपको यूट्यूब के चैनल पर अपलोड होते हुए मिल जाएगी, एक शॉर्ट्स के रूप में बनाया है। सो हंड्रेड्स ऑफ पीपल बिलीव टू बी ट्रैप्ड, अभी भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अब यहाँ पर भारत सरकार ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए एक बैच ऑफ अर्थ को एक रिलीफ मटीरियल भेजा है तुर्की, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी भेजी है, ट्रेंड डॉग स्क्वाड भेजा है, मेडिकल सप्लाईज, ड्रिलिंग मशीन और अदर नेसेसरी इक्विपमेंट वहां के लोगों की और वहां की सरकार की मदद के लिए, ठीक है जी। यस, 7.8 मैग्नीट्यूड, 11,000 बिल्डिंग्स, मतलब बहुत सारा डाटा आ रहा है। यस, बिल्कुल सतवचन मिश्रा। सो हिस्टोरिकल, इवन गाजियांतेप कैसल इन द साउथ ईस्टर्न तुर्की, वो भी कलेप्स कर गया है, बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है। कहा जाता है कि 17th सेंचुरी में इसको बनाया गया था, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के अकॉर्डिंग द कैसल वाज फर्स्ट बिल्ड एज अ वॉच टावर इन द रोमन पीरियड इन द 3rd century CE, एक्सपेंडेड ओवर द टाइम, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं, इट टुक इट्स करंट फॉर्म ड्यूरिंग द बाइजेंटाइन एम्पायर,
अच्छा ये आप आजकल हम एंशंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आई होप आपको बाइजेंटीन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ख्वारिज्म, ठीक है, ये सारे सेल्जुक डायनेस्टी, ये सारी की सारी चीजें पता है। जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आजकल तो उनको ये वेस्ट एशिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज रही हैं, दे नो अबाउट इट। सो अकॉर्डिंग टू तुर्किश म्यूजियम, द ऑफिशियल साइट ऑफ म्यूजियम्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन द कंट्री, तो यहाँ पर जो कुल मिला के न्यूज ये आ रही है कि 5,000 से ज्यादा के लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी भी बहुत सारे लोग मलबे में दबे हुए हैं। भारत सरकार ने मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम्स भेजी हैं, ठीक है जी। रीजन फॉर सच डैमेज विद नॉट मच हाई रिक्टर स्केल वुड बी, अच्छा यस, विद्यासागर ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें एक ये भी कहा जा रहा है कि इसकी जो डेप्थ है, आपने जो ज्योग्राफी के सेशंस में हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि व्हाट आर द रीजंस फॉर डैमेज, दो चीजें होती हैं, एक होता है रिक्टर स्केल, ठीक है जी, रिक्टर स्केल जो कि मैग्नीट्यूड स्केल है, मैग्नीट्यूड बताता है, जैसे कि 7.8, वैसे 7.8 कम नहीं है विद्यासागर। दूसरा है डैमेज स्केल, ठीक है, जिसको कि हम कौन सा स्केल कहते हैं, हाँ जी, मर्केली स्केल, मॉडिफाइड मर्केली स्केल या सिंपली मर्केली स्केल, ठीक है। सो दैट इज अ डैमेज, सो दैट इज विजिबल डैमेज जो शो करता है, इंटेंसिटी को बताता है। अब ये कहा जा रहा है कि इसकी जो डेप्थ थी, इट इज अ शैलो अर्थक्वेक, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने ज्योग्राफी के सेशन में आपको बताया है कि सरफेस से लेकर 300 किलोमीटर तक हम क्या कहते हैं, सो दिस इज सॉरी 70 किलोमीटर तक, तो आपका ये शेलो अर्थक्वेक माना जाता है, ठीक है। मर्केली स्केल 1 to 12 और रिक्टर स्केल आपका 0 to 10 रहता है, दैट इज 1 to 12 रहता है, बिल्कुल ठीक, मर्केली स्केल 1 to 12, तो ये शेलो अर्थक्वेक कहा जा रहा है इसको, कि इसकी डेप्थ काफी ज्यादा कम थी, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, ठीक, डैमेज का। चलिए आगे चलते हैं। एयरशिप ओवर लैटिन अमेरिका इज चाइनीज सेकेंड कन्फर्मेशन इन डेज, अरे यार हम पता नहीं क्या हो जा रहा है, हमारे बैलून को जो है, इसको आजकल कहा जा रहा है बैलून डिप्लोमेसी, ठीक है, ये कह रहा है कि हमारे जो बैलून है ना, पता नहीं हवा कहाँ से कहाँ चल रही है, कभी यूएसए ले जा रही है, कभी लैटिन अमेरिका ले जा रही है, हम कुछ नहीं कर रहे, ये अपने आप जो ये गुब्बारे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है, ठीक है जी, फिर गलती से पहुंच गए, कह रहे हैं। चलिए, सो आउट ऑफ कंट्रोल चाइनीज एयरशिप, भाई साहब अलग लेवल पे एक्सप्लेनेशन है। द सेकेंड कंफर्मेशन अबाउट इट्स ट्रेड एयरशिप्स अबाउट वन शॉट बाय द यूएस, और अब ये लैटिन अमेरिका पर घूमता हुआ पाया गया है, ठीक है, ड्यू टू वेदर कंडीशंस एंड लिमिटेड स्टीयरिंग एबिलिटी। अब इन्होंने कहा कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम क्या करें, ठीक है, हम तो बहुत सीधे साधे आदमी हैं, और यूएस का जो ये रिएक्शन है, ये ओवर रिएक्शन है, ये गलत किया है यूएस ने और ऐसा नहीं करना चाहिए और इसका हम बदला लेंगे, ऐसा अगेन चाइना का कहना है, ठीक है। इस पे एक आजकल मीम चल रहा है, मीम भी देख लीजिए, बैलून डिप्लोमेसी इज वेरी नॉन वायलेंट एंड पीसफुल मेथड, ठीक है जी, ये एक स्पाइंग का नया मेथड है, ऐसा मीम चल रहा है, क्या मतलब, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि चाइना में कोई प्राइवेसी प्राइवेसी नहीं है, ये डेमोक्रेटिक नेशंस में होता है, प्राइवेसी हमारे यहाँ पर नहीं है, ठीक है ये। चलिए एनीवेज, तो कुल मिला के चाइना का एयरशिप जो है लैटिन अमेरिका पर पाया गया है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अ मिलियन तिब्बतन चिल्ड्रन सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिलीज इन चाइना फोर्स्ड टू असिमिलेट थ्रू ऑपरेसिव एक्शंस, यूएन एक्सपर्ट्स, तो लगभग ये कहा जा रहा है यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स के द्वारा कि 10 लाख से ज्यादा तिब्बतन बच्चों को अपनी फैमिलीज से सेपरेट करके उनको गवर्नमेंट रन बोर्डिंग स्कूल में रखा गया है और उनकी फोर्स्ड असिमिलेशन की जा रही है। देखिए चाइना की जो 90% पॉपुलेशन है दैट इज हान चाइनीज, ठीक है, ये हमने आजकल रिसेंटली एंशंट हिस्ट्री में पढ़ा भी और आई होप बहुत सारे बच्चों को पता है कि चाइना में साउथ कोरिया या कोरिया पेनिनसुला और जापान वाले एरिया में हम महायान बुद्धिज्म की बात करते हैं, और अगर आप तिब्बत वाले कल्चर में देखेंगे तो वहां पे आपको वज्रयान बुद्धिज्म का कंसेप्ट मिलता है। वज्रयान बुद्धिज्म में आप ये कह सकते हैं, अब जिनको नहीं पता बिल्कुल भी महायान, हीनयान, वज्रयान, तो आप ये समझिए कि वज्रयान बुद्धिज्म में आपको थोड़ा तांत्रिक प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है, महायान बुद्धिज्म में कहीं ना कहीं ग्रेटर कंसेप्ट है, एक आम व्यक्ति भी जो है बुद्धा कह लीजिए निर्वाणा को
या मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, इस तरीके से समझिए। और हीनयान जो कि श्रीलंका में और साउथ ईस्ट एशिया के मेनली देशों में आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि दिस इज नॉट फॉर लाइक आम पीपल या कॉमन लोगों के लिए नहीं है, दिस इज फॉर ओनली फॉर द मंक्स, ठीक है, ये मॉन्क्स के लिए ही कहा जाता है। यस, तो कुल मिला के यहां पर कहानी ये नहीं है, कहा यहाँ पर कहानी ये है कि 10 लाख से ज्यादा तिब्बतन बच्चों को उनको गवर्नमेंट रन बोर्डिंग स्कूल में रखा जा रहा है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का एलिगेशन है। अगेन सो उनका ये कहना है कि इनकी जो तिब्बतन आइडेंटिटी है उसको खत्म करके किस तरीके से एसिमिलेट किया जाए हान जो चाइनीज है या जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ, उनको किस तरीके से एसिमिलेट किया जाए कल्चरली, रिलीजियसली और लिंग्विस्टिकली, ये किया जा रहा है ताकि तिब्बतन जो है अपने कल्चर से ही नाता तोड़ दें, ऐसा एलिगेशन लगाया गया है। चलिए, सो चिल्ड्रन ऑफ तिब्बतन कम्युनिटी आर फोर्स टू कंप्लीट अ कंपल्सरी एजुकेशन करिकुलम इन मैंडरिन चाइनीज विदाउट एक्सेस टू ट्रेडिशनल और कल्चरली रेलिवेंट लर्निंग। तो उनको जो भी एजुकेशन लेनी है वो मैंडरिन में लेनी है, चाइनीज जो भाषा है। और दीज गवर्नमेंट स्कूल डू नॉट प्रोवाइड सब्सटेंटिव स्टडी ऑफ तिब्बतन माइनॉरिटीज लैंग्वेज हिस्ट्री एंड कल्चर। मैंने तो महायान हीनयान पढ़ा था हिमांशु, क्लास में मैंने वज्रयान भी पढ़ाया था, ठीक है जी। ओके, चाइनीज साइंटिस्ट डेवलप हाइपरसोनिक जनरेटर, ये आपको 5th-6th सेंचुरी के लगभग जाकर मिलता है, ये मैंने क्लास में पढ़ाया भी था। चाइनीज साइंटिस्ट डेवलप हाइपरसोनिक जनरेटर दैट कैन पावर मिलिट्री लेजर्स, रेल गन्स एंड हाई एनर्जी माइक्रोवेव वेपन्स। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए, चाइना अगेन बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अपना R&D में, तो उसका रिजल्ट भी चाइना को मिल रहा है। सो बीजिंग बेस्ड रिसर्चर्स क्लेम टू हैव डेवलप्ड अ जनरेटर जो कि ट्रांसफॉर्म करेगा हॉट गैस को, ट्रेवलिंग एट हाइपरसोनिक स्पीड्स बियॉन्ड द स्पीड ऑफ साउंड इन टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट जो कि कटिंग एज फ्यूचरिस्टिक वेपन्स में के लिए काम आ सकता है। बेसिकली इसमें गैस को एक फास्ट प्लाज्मा में जो है ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, देन दिस एनर्जी ऑफ द प्लाज्मा सब्सिक्वेंटली इसको हाई पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो ये टेक्नोलॉजी मिलिट्री लेजर्स या बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने में काम आ सकता है, रेल गन्स, माइक्रोवेव वेपन्स, और इसके अलावा नॉन मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी यूज हो सकता है, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी या सेंडिंग स्ट्रॉन्ग SOS, सेव आर सोल्स सिग्नल इन एन एमरजेंसी। तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से इसको एक तैयार किया गया एक्सपेरिमेंट में, एंड द डिवाइस प्रोड्यूस पावरफुल शॉक वेव्स बाय एक्सप्लोडिंग द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वन एक्सपेरिमेंट। और ये जो एक्सेलेटिंग आर्गन आर्गन जो मटेरियल मतलब कह लीजिए एलिमेंट है आर्गन गैस टू Mach 14 या 14 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, तो शॉक वेव जो जनरेट होंगी ट्रांसफॉर्म द इनर्ट गैस इंटू हाई, मतलब ये जो इनर्ट गैस है आर्गन इसको हाईली कंड्यूसिव प्लाज्मा में कन्वर्ट किया जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि उस प्लाज्मा की एनर्जी को फर्दर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। तमन्ना, मैं आपका एक जनरल सा क्वेश्चन आखिरी में लूंगा, अभी हम थोड़ा सा टेक्निकल चीज डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज फोकस ऑन दैट, ठीक है। तो आई गो विद योर पॉइंट ऑल्सो। सो द MHD जनरेटर एड्रेसेस सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन क्रिएटिंग एंड यूजिंग। तो ये ही इंपॉर्टेंट है कि इस एनर्जी को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो अब ये चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने इसको तैयार कर लिया है। रशिया टू डिप्लॉय S-400 नेवल मिसाइल ऑन इट्स लेटेस्ट वॉरशिप विल पार्टनर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि S-400 जो है सिस्टम किस देश के पास है, सो दैट इज योर रशिया। सो रशियन नेवीज प्रोजेक्ट 22350M विल बी आउटफिटेड विद सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, विद मैक्सिमम रेंज ऑफ 400 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट। और ये एक लार्ज साइज वर्जन होगा प्रोजेक्ट 22350 का, और ये इंडिया को भी दिया गया था S-400, ध्यान में होगा आपको। अभी रिसेंटली हमने S-400 के रिलेटेड एक और न्यूज पढ़ी थी, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दो कहाँ पर हमने इसको डिप्लॉय किया है। सो आर्म्ड विद हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैज बीन पुट इनटू कॉम्बैट ड्यूटी आफ्टर दिस एडमिरल गोर्शकोव विल ज्वाइन द नेवल ड्रिल्स विद चाइनीज एंड साउथ अफ्रीकन नेवीज। अब देखो, साउथ अफ्रीका भी एक न्यूट्रल स्टैंड बनाकर चल रहा है, और
रशिया और चाइना के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है साउथ अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट पर, एलएसी के पास में। बिल्कुल ठीक, ठीक है जी, एलएसी के पास में इसको कर रहा है। लास्ट ईयर इंडिया ने भी भेजा है रशिया। बिल्कुल ठीक। सो दिस पॉलीमेंट रेडिट मिसाइल लॉन्चर कैन फायर मिसाइल विद अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 150 किलोमीटर्स। अब जो ये 400 किलोमीटर की एडिशन हुई है, ये थ्री फोल्ड इंक्रीज है, जो कि डेफिनेटली रशिया को हेल्प करेगा टू एंगेज नाटोज लॉन्ग रेंज एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट। तो आज मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले उसमें नाटो के बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया था, वॉर्सो पैक्ट के बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया था। सो प्लीज उसको जाकर चेक कर लेना, ठीक है। यस, मौसी एक्सरसाइज, क्या बात है, दोनों ठीक है, मौसी हैं दोनों। ओके, नेक्स्ट है आपका नेशनल न्यूज, युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च। युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है दिल्ली में। ये एक इनिशिएटिव है टू बिल्ड क्लोज टाइज विद द यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत। अभी अगर आपको याद हो, हमने रिसेंटली काशी तमिल संगमम प्रोग्राम देखा था, जो कि बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, या मतलब काशी में हुआ। तो उस प्रोग्राम को भी एक भारत श्रेष्ठ भारत, कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन, क्रॉस कल्चरल लर्निंग पर फोकस है, कि किस तरीके से अलग अलग रीजन्स के लोग एक दूसरे से मिले और ज्यादा बेटर तरीके से एक दूसरे को समझ सकें, ज्यादा इंटीग्रेशन हो सके। तो इसी इनिशिएटिव के तहत 20,000 यूथ को विल ट्रेवल क्रॉस द कंट्री एंड उनको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देना क्रॉस कल्चरल लर्निंग के बारे में। अब ये कहा गया कि हर 1,000 स्टूडेंट में से 300 स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के रहने वाले हैं। तो ये डीनो विद्यासागर, इसमत, सब लोग तैयार हो जाएं, ठीक है, आप लोगों को मौका मिलने वाला है पूरी जगह घूमने का, ठीक है। ऑलरेडी विद्यासागर पुणे में है, CSTO, यस। तो कुल मिला के यहाँ पर ये आपको इसमें कहा गया कि यूथ 18 to 30 years विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री टू अंडरस्टैंड देयर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। यस, चलिए, ये भी एक्ट ईस्ट की, हाँ एक्ट ईस्ट पॉलिसी कह सकते, नहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी थोड़ा सा डिफरेंट कंटेक्स में कहेंगे, बट अगर आप ब्रॉडली उस कंटेक्स में देखना चाहते हैं, बट दिस इज मेन ऑफ मेनली ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, कि किस तरीके से क्रॉस कल्चरल लर्निंग हो, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें, ठीक है, एक दूसरे के कल्चर को किस तरीके से बेहतर तरीके से समझ सकें, ठीक। गवर्नमेंट सेज फर्स्ट टाइम हज पैकेज कॉस्ट रिड्यूस बाय अराउंड 50,000 अंडर न्यू हज पॉलिसी। अब ये कहा गया कि न्यू हज पॉलिसी के तहत जो भी हज करना चाहते हैं उनका जो कॉस्ट है वो 50,000 कम हो जाएगा। उसमें बेसिकली ये कहा गया कि पहली बार देर विल बी नो एप्लीकेशन चार्जेस फॉर दोज अप्लाइंग फॉर हज, ठीक है। सो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस नहीं होंगे, और इसके अलावा देर विल बी वाइड चॉइस ऑफ एम्बार्केशन पॉइंट्स एंड स्पेशल अरेंजमेंट्स मेड फॉर लेडीज, इन्फेंट्स, दिव्यांगजन एंड एल्डरली। अच्छा, अभी मैं पी डाउन, ओके, तो हम लोगों को भी, हाँ, तो 1,000 में से 300 नॉर्थ ईस्ट के होंगे, बाकी तो 700 बाकी स्टेट से होंगे, तो आप लोगों को भी मौका मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम एक्सटेंडेड अप टू नेक्स्ट ईयर टू कंप्लीट ऑल हाउसेस सेंक्शन। अब इसमें 123 लाख घर सेंक्शन किए गए थे, जिसमें ये कहा गया कि लगभग, अगर मैं बात करूं तो आधे से ज्यादा, अराउंड 50%, स्लाइटली मोर देन 50% हैज बीन कंप्लीटेड और डिलीवर्ड टिल लास्ट मंथ, और अगले साल तक ये कहा जा रहा है कि इसको कंप्लीट किया जाएगा। और ये कहा गया कि इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए ईयर मार्क किए गए थे, 1.36 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, एंड सारे के सारे घरों को पूरा करना हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू नेक्स्ट ईयर टू कंप्लीट ऑल द हाउसेज सेंक्शन ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक। हाउ विल द लर्निंग हैपन, हर्ष सोलंकी कह रहे हैं कैसे लर्निंग होगी। आप एक किसी भी नई जगह जाते हैं, जब आप किसी नई जगह पर घूमने जाते हैं, तो आप वहाँ के कल्चर को, लैंग्वेज को, खान पान को, भाषा को, पहनावे को, रहन सहन को, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं हर्ष, उससे आपकी बहुत सारी लर्निंग होती है, ठीक है। लर्निंग सिर्फ किताबों से नहीं होती, किताबों से तो एक ही एक सेट ऑफ लर्निंग है, बहुत सारी चीजें आप ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, ठीक।
ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। 14 एयरपोर्ट्स इन द कंट्री आर ऑपरेटेड बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप गवर्नमेंट। सो सेंटर सेड 14 एयरपोर्ट्स इन द कंट्री आर बीइंग ऑपरेटेड बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स अंडर पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पर एक पॉइंट ये थोड़ा सा, क्योंकि आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया। सो 25 एयरपोर्ट्स इन द कंट्री हैव बीन ईयरमार्क्ड फॉर लीजिंग, और मंत्री जी ने, जो पूर्व आर्मी चीफ रहे हैं जनरल बी के सिंह, उन्होंने कहा कि 143 पैसेंजर्स ऑन डेट हैज बीन प्लेस्ड इन द नो फ्लाई लिस्ट। हार्श बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन टूर पे ऐसे पढ़ना, ठीक है जी। सो एयरलाइंस इंटरनल कमिटी फॉर नॉट ओबेइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्रू मेंबर्स और फॉर नॉट वेयरिंग मास्क, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसेंटली हमने 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स देखे कि सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर, फिर पैसेंजर्स अनरूली बिहेवियर ऑफ पैसेंजर्स को देखा, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई सारी गाइडलाइंस भी इशू की गई हैं DGCA के द्वारा भी। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट अप्रूव्स 44 ट्रेनिंग स्कूल्स फॉर ड्रोन ट्रेनिंग एंड स्किल्स अक्रॉस द कंट्री। तो देखिए, ड्रोन्स जो है फ्यूचर के लिए, मैंने एक लास्ट ईयर लगभग जून या जुलाई में एक छोटी सी वीडियो बनाई थी 15 मिनट की, अगर आप लोगों ने देखी है, नहीं देखी तो प्लीज उसको जाकर देख लीजिएगा, जिसको कि मैंने एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी पे था कि एयर स्पोर्ट्स में क्या क्या है, उसमें ड्रोन्स पर भी मैंने काफी डिटेल में वीडियो बनाया था कि ड्रोन्स को लेकर सरकार क्या क्या कर रही है और क्या क्या प्रोजेक्ट है, किस तरीके से ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 44 ट्रेनिंग स्कूल्स को अप्रूव किया है। देखो, मकसद ये है कि किस तरीके से ड्रोन, जो कि फ्यूचर की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट मिलिट्री एप्लीकेशन, इट हैज लॉट ऑफ सिविलियन एप्लीकेशंस आल्सो, ठीक है जी, सिविलियन एप्लीकेशंस आल्सो, तो वो सिविलियन एप्लीकेशंस को आपको इंश्योर करना है। सो द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन जनरल वी के सिंह सेड द ट्रेनिंग स्कूल्स हैव सर्टिफाइड 2520 ड्रोन पायलट्स इन दैट। ड्रोन इंडस्ट्री अभी नेसेंट स्टेज में है, बट वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दैट बिकॉज फ्यूचर में आपके घर में आपका पिज्जा हो सकता है ड्रोन डिलीवर कर रहा हो, आपके घर के जो सब्जियां हैं, जो राशन है, वो हो सकता है ड्रोन डिलीवर कर रहा हो, ठीक है। और ड्रोन्स का बेनिफिट खासकर जैसे अर्थक्वेक आया आपका तुर्की में, तो वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उन लोकेशंस में जहां पर ह्यूमन बींग्स नहीं पहुंच सकते, वहां पर ड्रोन्स पहुंच सकता है और वहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इमेजेस आपको बता सकता है, दूर बैठे आप देख सकते हैं कि कहां कहां पर लोग फंसे हो सकते हैं और वहां पर उनको रेस्क्यू किया जा सकता है। इवन आपका जहां पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, वहां पर किस वजह से ट्रैफिक जैम है, वहां पर भी ड्रोन्स की काफी ज्यादा एप्लीकेशन है। सो देर आर वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन, और उसी को देखते हुए ये स्टेप लिया जा रहा है। सो 56 एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ताकि ड्रोन्स और ड्रोन्स के कॉम्पोनेंट को भारत में बनाया जा सके। यस, सीड प्लांटेशन, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हैं, बिल्कुल ठीक। शादियों में तो आजकल चल ही रहा है, ठीक है, अलग एंगल से फोटो खींची जाती हैं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विल गिव एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू एनी एग्रेशन आर्मी कमांडर ऑन LAC सिचुएशन। सो आर्मी ऑन Feb 7 सेड इट वॉज प्रिपेयर टू गिव एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू एनी एडवर्स डिजाइन इन चाइना इन ऑफ एडवर्स डिजाइन ऑफ चाइना इन लद्दाख सेक्टर, क्योंकि ये उन्होंने कहा कि फिजिकल पेट्रोलिंग और टेक्निकल असिस्टेंस दोनों से ही, टेक्निकल मीन्स से चाइना के नेफेरियस डिजाइन को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने बताया इसके बारे में। एंड नॉर्दर्न कमांड इज इन हाई स्टेट ऑफ रेडीनेस द ओवरऑल टू फेस कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग थ्रेट्स। सिक्योरिटी सिचुएशन जम्मू कश्मीर लद्दाख में पोजेस डिफरेंट चैलेंजेस। ऑपरेशनल डायनामिक्स बहुत ज़्यादा हैं, हिली एरिया है, इट इज़ नॉट दैट ईजी टू ऑपरेट इन दोज पर्टिकुलर एरियाज, बट अगेन वो सबसे बेकार यूज होता है शादी वाला। क्या बात कर रहे हो, जिनकी फोटोएं आती हैं बढ़िया से उनसे पूछो, कह रहे हैं कि हाँ ये वाला एंगल बहुत अच्छा था, ठीक है। ड्रोन विद स्नाइपर फूड डिलीवरी होगी, चलिए एनीवेज आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है म्यांमार सिविल वॉर गेटिंग टू क्लोज टू इंडियाज बॉर्डर फॉर कंफर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका इंपैक्ट भारत पर या भारत की सीमाओं पर देखा जा रहा है। मिजोरम के साथ चलिए भाई, पर पहले न्यूज देखते हैं कि सिविल वॉर चल रहा है वहां पर, मिलिट्री जुंता या मिलिट्री रूल है, ऑंग सैन सू की जेल में है या हाउस अरेस्ट में है, और इसके चलते म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पर एक रिफ्यूजी प्रॉब्लम आने की स्थिति बन रही है मणिपुर और मिजोरम के स्टेट्स में, ठीक है। तो देखिए, नमामी करके ट्रिक है आपकी, ऊपर नागालैंड, फिर आपका मणिपुर, फिर उसके बाद आपका मिजोरम, अगर आप नॉर्थ ईस्ट का मैप देखेंगे। यस, सो बिगर वरी इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एथनिक आर्म्ड ग्रुप फाइटिंग फॉर एंड अगेंस्ट द मिलिट्री जनता, गेटिंग द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, प्राइमरीली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स सप्लाइड बाय इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम ग्लोबल फंडिंग। सो जनवरी में लोकल ऑर्गेनाइजेशन इन मिजोरम चंपाई डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल बॉर्डर के पास में बॉम्बिंग हुई है और यहां पर एक आर्म्ड कंफ्लिक्ट चल रहा है एथनिक ग्रुप्स के बीच में। सो इंडिया हैज बीन इंपैक्टेड मोस्ट बाय द सिविल वॉर इन द चिन स्टेट फ्रॉम वेयर मोर देन 40,000 पीपल हैव टेकन शेल्टर इन मिजोरम एंड मणिपुर। अथॉरिटीज ने यह भी कहा कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द टू स्टेट्स डू नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर चिन पीपल कमिंग इन। सीधा सीधा पहले बात तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि चीन पीपल कौन से देश की कम्युनिटी है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, और कौन से स्टेट्स हैं जो ज्यादा प्रभावित है। सो चीन्स आर एथनिकली रिलेटेड टू मिजोस ऑफ मिजोरम एंड कुकी ज़ोमी पीपल इन मणिपुर, ठीक है। देखिए, मणिपुर में आपको मेनली कुकीज, नागास और मैतीज मिलते हैं, ठीक है। सो देर आर एटलीस्ट 25 कुकी एंड ज़ोमी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अंडर एन एग्रीमेंट फॉर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस इन मणिपुर, ठीक है जी। सर, इन स्टेट्स में ओपन बॉर्डर है? नहीं जी, ओपन बॉर्डर नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। असम राइफल आपको वहां पर बॉर्डर पर मिलती है, ठीक है जी। जॉय लॉबो नॉट रॉय, ठीक है। सो पीपल फ्रॉम मणिपुर कैन इजिली रिलेट विद मैती, कुकी एंड नागास। ओके, आगे चलते हैं। दिल्ली चाइल्ड राइट्स बॉडी अनवील्स व्हाट्सएप चैट बॉट मित सर्विस बाल मित्रा। सो दिल्ली चाइल्ड राइट्स बॉडी अनवील्स बाल मित्रा। दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने अनवील किया बाल मित्रा, एक व्हाट्सएप चैट बॉट, ताकि कम्युनिकेशन इम्प्रूव किया जा सके किड्स और पेरेंट्स के बीच में। चैट बॉट बाल मित्रा एक सोर्स ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड राइट्स, और ये चैट बॉट सर्विस बाल मित्र अनवील बाय द दिल्ली चाइल्ड राइट्स। अच्छा, अब ये कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, जिसके तहत NCPCR बना था, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसी के तहत DCPCR भी बना था, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इन्होंने कहा कि एक अर्ली प्रीवियस इनिशिएटिव वाज अर्ली वार्निंग सिस्टम हेल्प द एजुकेशन डिपार्टमेंट री एनरोल 50,000 पीपल्स एंड लोअर द ड्रॉप आउट रेट, क्योंकि जो बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया उनको दोबारा से इंगेज करना, ठीक है जी। अच्छा, ये बताओ NCPCR के चेयरपर्सन कौन है और NCPCR के तहत चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? ये बाल मित्रा चैटबॉट क्या होता है? आप मैसेज भेजेंगे, ठीक है, कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो वो बताएगा कैसे मन लगाना है। मेरा मन वैसे ही नहीं लग रहा, ठीक है, ऐसे ही डाउट्स होते हैं टीनेज में तो खासकर, तो ये वो सारे के सारे इश्यूज को एड्रेस करेगा। प्रियंका नूनगो चेयरपर्सन है, और ये बच्चों की जो एज है दैट इज लेस देन 18, जो लेस देन 18 है। नहीं जी, अरुण कुमार मिश्रा नहीं है, चेक, चलिए, ओके, लेस देन 18, यस। इकोनॉमी में लीव इन कैशमेंट रिसीव्ड एट रिटायरमेंट विल बी टैक्स फ्री अंडर द न्यू आईटी रिजीम। शपथी की बात कैसे करते हैं? चैट किससे करना है? चैट बॉट है, बॉट, बॉट क्या होता है आजकल? कोई नहीं होगा, ठीक है। सो बॉट इज अ सॉफ्टवेयर बेसिकली,
क्या क्या चैट जीपीटी का सब्स्टिट्यूट? नहीं, चैट जीपीटी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। बॉट तो आपका नहीं होता है कि आप कोई भी आजकल वेबसाइट खोलते हैं तो आता है मे आई हेल्प यू, आप लिखेंगे ठीक है जी, वो आपको एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट भेज देगा ठीक है, अगर वो रीड कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए, अदरवाइज वो फिर आपको कस्टमर केयर से कनेक्ट कर देगा। ठीक, चलिए, चतुर है, चतुर, यस, ठीक है, चलिए। हाँ, जैसे टेलीग्राम में क्विज बॉट है, हर जगह बॉट है, तो यस बिल्कुल ठीक। कई लोग कह रहे हैं कि वैसे तो कोई मिल नहीं रहा बात करने के लिए, अब इसी से बात कर लेंगे, पढ़ाई कर लो पढ़ाई, ठीक है, बात बात ज्यादा मत करो। 50% ऑफ द पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स आर सैलरीड। देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में ना एक इनिशिएटिव लिया गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं, उनकी जो लीव इनकैशमेंट है पहले 3 लाख रुपए तक जो है टैक्स फ्री थी, उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है, मतलब इससे रेजोनेट कर रहे हैं सब लोग, सबको लग रहा है कि हाँ बात करने के लिए कोई नहीं बना। यस ठीक है, सो 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है, तो 22 लाख पर आपका 30% टैक्स बनता था, तो जो कि लगभग 7 लाख रुपए टैक्स बन रहा था, वो आपका 7 लाख रुपए टैक्स बचेगा, ऐसा कहना है सेक्रेटरी जी का, और रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी का। और ये यहाँ पर सवाल है कि 3 लाख से, मतलब कहीं ना कहीं मैंने आपको जिस दिन हमने बजट वाली डिस्कशन की थी उसमें बताया था कि सरकार का मतलब एक कह लीजिए मोटिव है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए न्यू टैक्स रिजीम की तरफ, ठीक है, जो कि सिंपल है और उसमें क्लैरिटी है। ठीक है सर, ये जापान के ओल्ड एज लोगों को देते हैं, उन्हें चाहिए था कोई बात करने के लिए। ठीक है जी, आप खुद मिलेगा, आप पढ़ाई कर लो करो, ठीक है, ओके। सो इट बेनिफिट्स ऑल द सैलरीड क्लास, मतलब उन्होंने कहा कि जितने भी सैलरीड क्लास हैं, 50% से ज्यादा सैलरीड क्लास हैं जो टैक्स भरते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स हैं, तो उन सबको बेनिफिट होगा इस चीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स में। सो अंशुल जुबली बैग्स यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट, बीट इंडोनेशिया जेका सारागी टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन रोड टू यूएफसी फाइनल। सो अंशुल जुबली डिफीटेड इंडोनेशिया जेका सारागी टू विन द रोड टू यूएफसी कॉम्पिटिशन इन द लाइट वेट डिविजन, और ही रैप्ड अप द फाइट इनसाइड 2 राउंड्स और डिक्लेयर्ड विनर बाय द टेक्निकल नॉकआउट। तो अंशुल ने ये जो है जीत ली है लड़ाई इंडोनेशिया के जेका को हराकर, और फर्स्ट इंडियन टू विन द रोड टू यूएफसी फाइनल। टैक्स सेविंग से गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं होगी, सो गवर्नमेंट का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का मकसद वेलफेयर इंश्योर करना है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, बहुत और सारी चीजें हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया 2020 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन एरन फिंच अनाउंस इज रिटायरमेंट फ्रॉम 2020। उससे पहले लगभग 12 साल का उनका जो करियर है वो समाप्त होने जा रहा है। ही अनाउंस इज रिटायरमेंट फ्रॉम 50-ईयर फॉर्मेट ऑल्सो, और टेस्ट भी इन्होंने लगभग 5 खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। गवर्नमेंट का मकसद पावर में, अच्छा ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भाई साहब ये दुख जो है ना खत्म ही नहीं हो रहा, कह रहे हैं कि यार चाहते क्या हो। ठीक है चलिए, फाइनली ये हमने पढ़ लिया था, वैसे दोबारा रिपीट हो रहा है, जुपिटर ओवरटेक्स सैटर्न एज द प्लैनेट विद द मोस्ट नोन मून्स। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट टाइम जब मैं यूनिवर्स सोलर सिस्टम डिस्कस करूंगा तो प्लीज ध्यान रखना कि जुपिटर हो चुका है, ठीक है, जुपिटर कह रहा है कि भाई हमारे पास है सबसे ज्यादा मून्स। ठीक है, सो जुपिटर हैज वंस अगेन सर्ज्ड अहेड, एस्ट्रोनॉमर्स हैव काउंटेड 12 प्रीवियसली अननोन मून्स इन द ऑर्बिट अराउंड सोलर सिस्टम, जो कि 92 हो चुके हैं, लिविंग सैटर्न जिसमें कि 83 है। ठीक है जी, तो जुपिटर के पास 92। अच्छा ये बताओ कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है एरिया वाइज। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी इसकी, ठीक है, ध्यान रखना। अर्थ का अगर साइज 1 है तो वीनस इज अराउंड 0.95, और जो मार्स है दैट इज 0.53, और जुपिटर है
ठीक है, जुपिटर है अराउंड 11 पॉइंट समथिंग, सो सबसे बड़ा यही है, जुपिटर ही है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं दो तीन जो आपके पूछे जाते हैं, प्लीज इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स में, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, शमिका रवि अपॉइंटेड एज अ मेंबर इन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर। अब मेरे को ये बता दो कि इसके चेयरपर्सन कौन है। ठीक है, इसके चेयरपर्सन कौन है कमेंट सेक्शन बॉक्स में जल्दी से लिख दो। सो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी कंस्टिट्यूटेड टू एडवाइस ऑन इकोनॉमिक एंड रिलेटेड इशूज और टर्म ऑफ रेफरेंस एनालाइजिंग एनी इशू इकोनॉमिक एंड अदरवाइज। एंड अभी इसके जो चेयरपर्सन हैं ये चाहते हैं कि यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम की क्लास दोबारा पढ़ाओ। ठीक है जी, तुषार कपूर हैं, ये कौन है भाई, न्यू पाथ। ओके, सो डॉक्टर विवेक डेब्रॉय, श्री संजीव सान्याल, श्री राकेश मोहन, साजिद चनॉय, नीलकंठ मिश्रा, नीलेश शाह, प्रोफेसर टीटी राम मोहन, ये आपका मतलब आपको मेनली ये याद रखना है, डॉक्टर विवेक डेब्रॉय चेयरपर्सन। ओके, नेक्स्ट है डिफेंस, सॉरी डिफेंस न्यूज में नहीं है आज कुछ। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आरबी प्रसाद ऑनर्ड द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। देखिए, दे आर द रियल हीरोज, आई कंसिडर देम। 69 पेटेंट्स, ठीक है, अ साइंटिस्ट विद 69 पेटेंट्स हैज बीन ऑनर्ड विद इंडियन अचीवर्स अवार्ड एज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। द अवार्ड विच रिकग्नाइजेस इंडिविजुअल्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड्स, कल्चर, साइंस, स्पोर्ट्स एंड इनोवेशन। और इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है स्मार्ट सिटीज में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, लार्ज स्केल वाटर ट्रीटमेंट, मतलब कुल मिला के स्वच्छता अभियान वाले में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इनको सिलेक्ट किया गया है बाय बाय ज्यूरी हेडेड बाय जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। ठीक है जी, तो ये आपका अवार्ड दिया गया है, 69 पेटेंट्स हैं इनके नाम पर, आरबी प्रसाद मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सो नेक्स्ट है आपका इंडियन मॉम डॉटर डुओ मेड रंगोली फ्रॉम 26,000 आइसक्रीम स्टिक्स, एंटर सिंगापुर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है बट आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, तिरुवल्लार, अव्वियार, भारतियार एंड भारती दसन। तो साउथ के या तमिल जो फेमस स्कॉलर पोएट्स हैं उनका जो है एक रंगोली बनाया गया है। सो मॉम एंड डॉटर टीम हैज मेड इट टू द सिंगापुर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बाय बाय क्रिएटिंग अ 6x6 मीटर रंगोली आर्टवर्क। रिकी केज की न्यूज नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया रिकी केज की न्यूज तो हमने। ठीक है जी, यस ठीक है। अप्सरा अय्यर, सो इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट एट हार्वर्ड लॉ स्कूल हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस्टीजियस हार्वर्ड लॉ रिव्यू, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द कम्युनिटी टू बी नेम्ड टू द पोजिशन इन द पब्लिकेशंस 136 ईयर हिस्ट्री। सो इनको जो है 1887 में बना था एंड इज अमंग द ओल्डेस्ट स्टूडेंट रन लीगल स्कॉलरशिप पब्लिकेशन। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट हार्वर्ड लॉ स्कूल में प्रेसिडेंट बनी है प्रेस्टिजियस हार्वर्ड लॉ रिव्यू की, अप्सरा अय्यर। स्टोन मॉडल क्रिएटेड ऑफ द सिटी क्रिएटेड बाय इनकास, ये मिनिएचर देख लीजिए, पूरी सिटी का एक मिनिएचर वर्जन बना रखा है। ठीक है, तो आप सोच के चलिए कि ये कहाँ पर है, ये इनकास कौन बताएगा, कौन बताएगा ये इनकास कहाँ पर मिलता है। सो मिनिएचर सिटी रेप्लिकेट्स द स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ रियल सिटी, इट हैज अ फंक्शनिंग ऑफ वाटर कलेक्शन एंड ड्रेनेज सिस्टम। ऑल रेनफॉल इज क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू चैनल्स, जैसे आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है, सारा का सारा बारिश का पानी किस तरीके से चैनल्स के थ्रू जाता था, वॉश डाउन द स्टोन फील्ड्स, डिस्चार्ज इन टू द स्पेशल होल्स विच आर ले ऑन द लेआउट। क्या बात है, मैं सोच ही रहा था कि कोई बोलेगा। बेसिकली साउथ अमेरिका में, ठीक है, जो आपका एंडीज माउंटेन में, एंडीज माउंटेन में आप कह सकते हैं। चलिए, हीरो ऑफ द डे सूबेदार रामचंद, सूबेदार दिलबाग सिंह, रिमेम्बरिंग द टू इंडियन ब्रेव सोल्जर्स ऑफ 16 डोगरा मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस फाइटिंग द टेररिस्ट इन पलनवाला जम्मू कश्मीर, 6th ऑफ फेब 1995। देखिए, 1990s का टाइम हमने देखा है,
जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का पीक लेट 80s और अर्ली 90s में, मतलब 90s का जो डेकेड है, और उस समय पर भारत ने बहुत सारे अपने जवानों की आहुति दी है, खोया है उनको. सो टू ब्रेव सोल्जर्स मेड देयर सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑन दिस डे. सो क्विज टाइम आपका शुरू हो रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू बजट 2023, व्हाट इज द रिवाइज्ड एवरेज प्रोसेसिंग टाइम फॉर आईटीआर? जो भी बच्चे लाइव हैं उनको मैं बता दूं, 12 बजे आपका सेशन हुआ था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, और काफी डिटेल में हमने उसको डिस्कस किया है विद एनालिसिस विद फैक्ट्स. तो प्लीज उसको सेशन को देख लीजिएगा. एंड अराउंड 1.5 आवर का सेशन है, मोर देन 70 ऑर्गेनाइजेशंस हमने डिस्कस की हैं. ठीक है जी, ओके. आंसर है आपका 16 डेज. अकॉर्डिंग टू द बजट हाउ मच कैपिटल हैज बीन एलोकेटेड टू इंडियन रेलवेज? 1.9, 3 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2.4 लाख करोड़. एंड इफ पॉसिबल अगर कोई देख रहा होगा तो उस पे उसको उसमें भी कर देना, टाइम स्टैम्प्स अगर बना सकते हो किस से किस तक लिया है, सो दैट वी कैन मेक द टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन, ताकि कोई भी बच्चा दोबारा से देखे तो उसको पता लग जाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पर डिस्कस की है, एंड व्हाट आर द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. बजट के नंबर्स डिस्ट्रीब्यूशन, देखो बजट के नंबर्स ऐसा सच नहीं बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकते हैं. अगर आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखोगे तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे टैक्सेस को अरेंज करिए, सबसे ज्यादा टैक्स किससे आता है आपका, ठीक है, जैसे इस बार जीएसटी से कहा गया. टू पॉइंट फोर लाख करोड़. हाउ मेनी टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैव बीन सिलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट? 50, 30, 20, 40. ठीक है, सो टूरिज्म को डेवलप करने के लिए असर GS2 था मेरा, उसमें आपके पढ़ाए हुए काफ़ी क्वेश्चन आए, एक्टिंग्स, न्यूक्लियर पॉलिसी, SC ST इनिशिएटिव वगैरह, आज सबके पॉइंट दिमाग में हिट हो रहे थे, आप याद आ रहे थे सामने. थैंक यू रजनी, थैंक यू सो मच. ठीक है जी, और प्लीज़ शेयर द पेपर विद मी ऑल्सो. बिकॉज दैट कैन बी वेरी गुड सोर्स फॉर अर डिस्कशन ग्रुप ऑल्सो. ठीक है, सो प्लीज डू शेयर द पेपर विद मी. चलिए, इट गिव्स अ इमेंस सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ हियरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, थैंक यू सो मच. 50 इज द टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हाउ मच मनी हैज बीन एलोकेटेड टू रिवैम्प क्रेडिट? 1000 करोड़. ठीक है, सो इसमें 9000 करोड़, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट. मिस्टी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो फैसिलिटेटिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, प्लांटेशन ऑफ मैनग्रोव्स अलॉन्ग कोस्ट लाइन, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाई 2030, अपग्रेडेशन ऑफ रोडवेज नियर द इंडो चाइना बॉर्डर. ठीक है जी, कल एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, आई थिंक शाम को 5 बजे का टाइम है, तो आपको उसके बाद एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा. ठीक है, शाम के 5 बजे के बाद आपका जो भी एफ कैट दे रहे हैं वो एडमिट कार्ड भी आ जाएगा आपका. चलिए, हाँ मिष्टी दही, कहाँ पर था मिष्टी दही? वैसे ऑप्शन थोड़ी सी वो हो गई, मैं पक्का डालता कि ये बंगाल रीजन में दही की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए है. यस, वेरी गुड. आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में.
चलिए आंसर इज योर वेरी क्लियरली बी इज द आंसर. ठीक है जी. यस पीएम प्रणाम स्कीम वॉज अनाउंस्ड. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम? वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूजेज को कम करना, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट मार्केट को इंक्रीज करना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में बढ़ाना. चलो सेंटर का पता लगेगा बस थर्ड ग्रेड का पेपर. ओके हजार के भाई साहब, मतलब चलिए ठीक है. वैसे वो न्यूज देखो, वो न्यूज पढ़ने वाले भी बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है तो चलो जी. अब ये क्या, इसका क्या बनेगा? 81 या सीकिया, विरुष्का और विकेट, तो इसका भी कुछ ना कुछ शॉर्ट फॉर्म बनेगा कुछ ना कुछ तो. ओके ठीक है जी. केमिकल फर्टिलाइजर्स, आज हम 12 PM सेशन सॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था. चलिए ठीक है जी. प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अवेयरनेस, नरिशमेंट, एंड्यूरेशन ऑफ मदर अर्थ. जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए. अराउंड 1.5 लाख करोड़ के लगभग है, 1.55 लाख करोड़. नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, इट वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट. इट फैसिलिटेट द एफिशिएंसी ऑफ फ्लो ऑफ क्रेडिट, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, फोस्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. न्यू लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क विल गवर्न दिस. क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कितनी करेक्ट स्टेटमेंट है? 0, 1, 2, 3. अच्छा क्या, ओके ओके. देखो इसका श्रेय भी कैप्टन विक्रम बत्रा को जाता है. ठीक है तो उन्हें भाई चाइना इज यूजिंग बैलून सैटेलाइट या कोई एडवांस टेक यूज कर नहीं करता. ये तो आंसर है डी. ठीक है जी, तीनों स्टेटमेंट सही हैं. हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा. ठीक है, कहते हैं ना कि जिंदगी हो तो ऐसी कि आप जीते जी तो लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, उसके बाद भी काम आ रहे हैं लोगों के. ठीक है. सो 20% एथेनॉल एट 84 पेट्रोल पंप्स ऑफ 3 स्टेट ओन्ड फ्यूल रिटेलर्स इन हाउ मेनी स्टेट यूटीज. इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 20% एथेनॉल शुरू हुआ है 84 पेट्रोल पंप से और 2025 तक ये टारगेट है. ठीक है जी. सो आंसर इज ए. ठीक है, 11 स्टेट्स और यूटीज में. कोकोनट्स ब्रोकन, लकी पीनट्स मॉडल ऑफ क्रूशल कॉम्पोनेंट फॉर फर्स्ट एवर इंडिया यूएस सेटेलाइट नासा सिंथेटिक पर्चरॉन विच बी लॉन्च बाय. ये इंपॉर्टेंट है. 24, 25, 29 या 30 कब तक होगा ये? देखो ये क्वेश्चंस ना आपकी रिवीजन भी करते हैं. ठीक है, सो डोंट मिस आउट दिस क्वेश्चंस. भले ही छोटे हो, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए. बिल्कुल ठीक कहा. ठीक है ठीक है. वो एक आनंद पिक्चर का डायलॉग है ना कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए मेरे दोस्त. मुकुल तुम आज लाइव कैसे? मुकुल को भी नींद आना बंद आ गया है. ठीक है बाबू मशाय. यस बाबू मशाय. यस भावनाओं को समझो. 2024. चलिए तो यहां पर आज का सेशन कंप्लीट होता है. बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है जी. तो
ये था आज का सेशन, ज्योग्राफी हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत चल रहा है, ज्योग्राफी में इंडियन फिजियोग्राफी चल रहा है, इकोनॉमी हमने कंप्लीट किया है, 35 ईयर्स ऑफ इकोनॉमी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसमें हम इकोनॉमी को बहुत बेसिक से पढ़ लेंगे और वो हमने किया कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक, इंस्टा, जीमेल, मोबाइल नंबर पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। महायान वाला बता दो एक बार। देखो महायान वाला ये है कंसेप्ट के बुद्धिज्म की डिफरेंट ब्रांचेस हुई, ठीक है। एक आपको ब्रांच नॉर्थ ऑफ इंडिया मिलती है, चाइना, कोरिया और जापान में, जहां महायान, तो वो हीनयान और महायान में बेसिक सा फंडा ये डिफरेंस है कि एक लेसर कह लीजिए व्हीकल की बात करता है, लेसर व्हीकल कहा गया है एक महायान। महायान में बेसिकली आप डिसाइपल हैं और आप एक मॉन्क हैं, वो बाकी लोगों को भी गाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक आम व्यक्ति भी निर्वाणा को अचीव कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। हीनयान में ये नहीं कहा गया, हीनयान में कहा गया कि ओनली द मॉन्क्स कैन अचीव इट। तमन्ना का जनरल क्वेश्चन क्या था? और गुड नाइट मुकुल, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के आई डोंट नो, बहुत सारे लोग सेशंस को देख रहे हैं पर सेशंस को शेयर नहीं कर रहे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लीज डू शेयर द सेशन ऑल्सो, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीम निष्ठा इज डूइंग देयर अ लॉट ऑफ पुटिंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन ब्रिंगिंग दिस सेशंस फॉर यू। और इतना क्वालिटी प्रीमियम कंटेंट, इतनी सारी न्यूज कंपाइल करके विदाउट एनी हल्ला गुल्ला, विदाउट एनी शोर, बहुत ज़्यादा सिंसियर तरीके से हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इनिशिएटिव शुड रीच टू द फार फ्लंग एरियाज ऑफ दिस कंट्री। आई फील वेरी प्राउड एंड आई फील वेरी ऑनर्ड कि जब स्टूडेंट्स फ्रॉम लद्दाख, स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री आर ज्वाइनिंग विद दिस प्लेटफॉर्म, एक्चुअली फीलिंग लाइक अ टीम, नॉट फीलिंग लाइक देर इज अ वन वे कम्युनिकेशन, देर इज लाइक अ टीचर स्टूडेंट रिलेशन, दैट इज लाइक मोर ऑफ अ अ टीम बेस्ड इनिशिएटिव एंड वेयर एवरी स्टूडेंट इज मैसेजिंग मी एंड ट्राइंग टू गिव हिज और हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टीम स्टाफ। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग द इनिशिएटिव मोर पर्सनलाइज्ड, मोर लाइक मोर ऑफ अ टीम इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनू, थैंक यू सौम्या। ओके टेस्ट आपका लाइव हो जाएगा अभी, टाइम हो रहा है 10 हो रहा है, तो टेस्ट आपका 10:15 पे लाइव हो जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू शुभम, अनुज टेक केयर, थैंक यू गीतांजलि, जय हिंद हिमांशु। और आपके दो टेस्ट हैं इंग्लिश के, अगेन मेरा आपका टारगेट मैंने आपको बताया है कि 23rd तक आपके लगभग लगभग जो है 3000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो हर रोज आपके 60-70 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसके अलावा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपने लेवल पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक।